हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AMD सिक्योरिटी गार्ड और AOSO के एग्ज़ाम रिजल्ट और री एग्ज़ाम सीरीज सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या इसका रिजल्ट एग्ज़ाम से पहले आएगा, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया है उनका रिजल्ट कब आने वाला है। और दोस्तों, इस हिसाब बताऊँगा जो पेपर यहाँ पर लीक हुए थे उसकी वजह से कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। क्या उनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा और कब तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इसका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कब आएंगे या फिर पुराना वाला चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASO एग्ज़ाम रिजल्ट और री एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रही वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो AMD में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज पर फॉर्म आउट किए गए थे, दोस्तों देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की, तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर की, तो इसमें 38 वैकेंसीज आउट की गई थी। और बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की, तो यहाँ पर 274 वैकेंसीज आउट की गई थी। और सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से इसमें फिजिकल आउट कर दिया गया था, और फिजिकल में क्वालिफाइड कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे, पर कुछ शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे AMD सिक्योरिटी गार्ड और AOSO का। पर दोस्तों, लास्ट के कुछ शिफ्ट रह गए थे, तभी यहाँ पर पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी हंगामा हुआ। और हंगामा के रिजल्ट से जो हंगामा हुआ उसको देखते हुए इसके एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा। और दोस्तों, इस हिसाब बता दूं कि कुछ लड़के बोल रहे हैं कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट आउट किया जाएगा, और कुछ यहाँ पर यूट्यूबर्स और लड़के बोल रहे हैं कि इसका बिना रिजल्ट के यहाँ पर दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है। पर दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम किस किस कैंडिडेट का होने वाला और इसका रिजल्ट कब तक आउट किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब इसका एग्ज़ाम टाइम पर यहाँ पर पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से काफ़ी हंगामा होते हैं। काफ़ी लड़का जो सेंटर्स पे थे, एग्ज़ाम सेंटर्स पे के बाहर जो लड़के थे उन्होंने काफ़ी हंगामा हुआ, उसको देखते हुए यहाँ पर AMD में पेपर को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था। कुछ सेंटर्स पर यहाँ पर पेपर हो गए थे, कुछ शिफ्ट में हो गए थे, बस कुछ शिफ्ट रह गए थे, जिनकी वजह से कुछ लड़के पेपर दे पाए थे और कुछ नहीं दे पाए थे। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसका जो लड़के पेपर नहीं दे के आए थे या फिर रह गया था पोस्टपोन की वजह से पेपर नहीं दे पाए थे, क्या उनका दोबारा से पेपर होगा। दोस्तों, मैं बता दूं, जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर नहीं दे पाया था AMD में, उनका यहाँ पर एग्ज़ाम 100% होने वाला है। कोई भी कैंडिडेट ना सोचे या फिर घबराए नहीं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जिनका यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया था उनका रिजल्ट आउट किया जाएगा, उनका दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होगा। और एग्ज़ाम 19 कैंडिडेट का होने वाला है, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर पोस्टपोन के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम रह गया था, जिनकी वजह से काफ़ी लड़के निराश हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ और पेपर पोस्टपोन कर दिया गया था। दोस्तों, मैं उन कैंडिडेट के लिए बता दूं कि जिनका पेपर यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन के बाद एग्ज़ाम रह गया था, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम 100% होने वाला है। और दोस्तों, इस हिसाब बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ही कोई ऑफिसर साइड से कुछ जानकारी मिलेगी या फिर नोटिस निकाला जाएगा तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि जिन कैंडिडेट के यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होने हुआ है, वो आप सभी कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को संभाल के रखें, क्योंकि दोस्तों पुराने वाले एडमिट कार्ड से आपको न्यू री एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। और जिन कैंडिडेट के यहाँ पास पुराना वाला एडमिट कार्ड नहीं होगा, उनको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इसे सभी कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को संभाल के रखें। दोस्तों, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ उनको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। और जैसे ही री एग्ज़ाम के लिए डेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूँ कि AMD में उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन के बाद एग्ज़ाम रह चुका था, काफ़ी शिफ्ट में यहाँ पर पेपर रह गए थे पोस्टपोन के बाद। और दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर टाइम में जिस दिन उनका पेपर था वो एबसेंट थे,
उनका भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी एबसेंट लग गई है, उन कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उसके बाद जो शिफ्ट थी या फिर डेज में दूसरे या फिर तीसरे दिन में आपका पेपर था, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, AMD सिक्योरिटी गार्ड और AOC में। इसलिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर घबराए नहीं, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों अच्छा मौका है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टाइम मिल गया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और दोस्तों इसी साथ बता दूँ, कोई भी कैंडिडेट यहाँ घबराए नहीं, जैसे कोई एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल के आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर न्यूज़ मिलने वाली है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। और दोस्तों बात करूँ यहाँ पर रिजल्ट की, तो रिज़ल्ट कब आएगा, तो दोस्तों मैं बता दूँगी, जब तक सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, सभी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बाद ही यहाँ पर रिज़ल्ट आउट किया जाएगा। कोई कैंडिडेट ये बोल रहा कि हमारा एग्ज़ाम पहले हुआ है तो हमारा रिज़ल्ट पहले आउट किया जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट सभी का एक साथ आने वाला, चाहे आपका पेपर पहले हुआ हो या फिर 2 महीने बाद, रिज़ल्ट आपका सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एक साथ रिलीज़ किया जाएगा। इसलिए कोई कैंडिडेट मन में ये भ्रम ना डालें कि हमारा रिज़ल्ट पहले आएगा, सभी कैंडिडेट का रिज़ल्ट साथ में ही आने वाला है, जब तक सभी शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम नए हो जाते हैं। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जिनका यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक, और जैसे कोई डेट आती है री एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाकर अपनी एग्ज़ाम दें, और जिससे कि आप AMD में सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों अगर एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम रिजल्ट से और री एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा, जैसे कि न्यूज़ आती है, ऑफिशियल न्यूज़ आती है कि आपका दोबारा से एग्ज़ाम होगा या फिर डायरेक्ट सभी को पास किया जाएगा रिजल्ट के द्वारा। तो दोस्तों हाँ जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो में दी गई जानकारी या फिर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक कर देना। और दोस्तों अगर रिजल्ट और री एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, और क्लियरली आपको आंसर भी दिया जाएगा आपके सवाल का।